हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरी तरफ से मैं आप लोगों को आज एक ऐसी टिप लेकर आया हूँ। अक्सर देखा जाए तो जो पहली बार हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उसमें लोग जो यू बैलून ये यूज़ करते हैं, ये वाला, इसको फुलाना और दोबारा यूज़ करना, डिफ्लेट करके दोबारा यूज़ करने का तरीका पहली बार में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, कैसे इस बैलून को फुलाते हैं और कैसे इसको डिफ्लेट करते हैं। तो आइए हम पहले फुलाने का तरीका देखते हैं। उसके लिए हम लोग के पास एक ये है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है या ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन है ज़्यादा। इससे ये इजी रहता है कि मतलब फुलाने में दिक्कत नहीं होता है, और हम लोग जो मुंह से अक्सर फुलाते हैं यहाँ यहाँ दर्द होने लगता है, इसलिए हमने ये फुलाने के लिए इसको ले लिया है। तो देखिए ये हमारे पास है ऐसे उसी का, ठीक है। तो इसमें फुलाने के लिए हमें ये यहाँ पे पोड़ दिया, ये है, इसमें यहाँ पे एक ये पोड़ दिया हुआ है, ये यहाँ ये एरो बना है, एरो तो यहीं पे ये आधा से कट निशान पड़ा है, तो यहीं पे हम ये लेंगे इसको। देखिए आप, देखिए ये ऐसे करके ये इजीली अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पंप द्वारा ऐसे भरेंगे, अब इसको ये धीरे से ऐसे रिमूव कर लेंगे, तो जो इसका अंदर का वाल्व होता है ये बंद हो जाता है, तो ये बाहर हवा नहीं निकल पाता है, ठीक है। देखिए अब ये आपके सामने एच बन के तैयार है। अब ये तो हो गया फुलाने का तरीका। डिफ्लेट करने के लिए अक्सर लोगों के पास ये नहीं होते हैं, ये फ्रूट के दुकान पे नारियल पानी पीने के लिए ये मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफ्लेट करने के लिए यूज किया तो ये यहाँ से टिल्ट हो गया, ये टिल्ट हो गया, इसलिए मैंने इसमें क्या किया कि ये पेन का रिफ़िल लिया, ये रिफ़िल, खाली रिफ़िल, इसको मैंने सीजर ले करके कट कर दिया। तो इसके देखिए दोनों एंड ओपन होने चाहिए, दोनों एंड ओपन होने चाहिए, इधर से एयर निकलने के लिए, इधर से एंट्री करने के लिए। तो आइए हम इसको कैसे डिफ्लेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो वहीं से जहाँ से हमने गैस अभी भरा था उससे पंप द्वारा, यहीं से धीरे धीरे करके एंट्री करेंगे इसको। धीरे 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 ये देखिए, ये कम से कम इतना यहाँ से यहाँ इतना एंट्री, इतना लंबा यहाँ तक एंट्री करेंगे तब जाके ये डिफ्लेट होना होगा। ये शुरुआत में ही ऐसे नहीं करना है, ये देखिए कितना अंदर गया है। शुरुआत में इतने पे करेंगे तो नहीं होगा, इतने भी करेंगे नहीं होगा, ये इतने भी, ये तो रिफ़िल मेरा थोड़ा ज़्यादा मैंने काट दिया, मेरे में थोड़ा ये बढ़ गया था ना, इसकी वजह से वो नहीं, तो बड़ा थोड़ा रिफ़िल यूज़ करेंगे और अंदर तक थोड़ा वो करेंगे। तो इसके बाद देखिए ये हवा निकलेगा ऐसे, धीरे धीरे इसको दबाएंगे ऐसे, देखिए आवाज आ रहा है ना डिफ्लेट का, ऐसे करके
अब देखिए आप लोगों के सामने ये फिर जैसे पहले जैसे व्यवस्था थी इसकी वैसे हो गई। अब इसमें से ये जो मैंने रिफ़िल लगाया है मेरा थोड़ा छोटा हो गया, आप लोग थोड़ा बड़ा काटिएगा। तो ये धीरे से ऐसे निकाल लेंगे और इसको फोल्ड करके अगली बार के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कैसे बैलून को फुलाया जाता है, हैप्पी बर्थडे में यूज करने के लिए जो ये आता है इसको कैसे फुलाया जाता है और कैसे हवा निकाल करके फिर दोबारा अगर किस मनी की प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो तो उसको मैं फिर से यूज़ करने के लिए ये आसान तरीका है, ठीक है। मैंने तो अपना ये करके ये रीयूज के लिए रख दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो कैसे बैलून हवा भरा जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है, तो आप ज़रूर से लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।